पुलुक महोत्सव के इस अवसर पर आप समस्त साहित्य अनुरागियों को और देवभूमि बनारस के सुधी समृद्ध श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच है, आयु में ही नहीं वरन प्रज्ञा में, मेधा में, कविता में भी सबसे छोटा हूँ। अस्तु, एक छोटा सा अनुरोध आप सबसे करता हूँ कि आप सबका और संपूर्ण समृद्ध मंच का मुझे विशेष आशीष मिलेगा। विशुद्ध हास्य का कार्यक्रम है, पर साण जी और गुरुदेव साण जी और मेरे भ्राता दमदार का मुझे आदेश हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पुनः आपके बीच में हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सर बैठे हैं, उनके यहाँ जो लगभग विनोद राव जी, उनके यहाँ कार्यक्रम में भी मेरा आना हुआ था। मुझे ये आभास होता है कि कविता अगर सबसे अच्छे से कहीं सुनी जा सकती है, उसके पैमाने कहीं सही ढंग से निर्धारित किए जा सकते हैं, तो बनारस से अच्छी कोई ज़मीन नहीं होती। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका आपको जचवाने के लिए आया हूँ। हम ओज के कवियों पर एक आरोप लगता है कि हम ओज के कवि सिर्फ मंच पर चिल्लाने का काम करते हैं, मंच को हिलाने का काम करते हैं। यह आरोप हम पर लगता है कि अगर कोई देश विशेष नहीं होता, अगर कोई वर्ग विशेष नहीं होता, अगर कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता, अगर कोई पार्टी विशेष नहीं होती, तो हम ओज के कवि क्या लिखते, कुछ नहीं होता। इस मिथक को कहीं ना कहीं मैं लखनऊ का हिंदी का छोटा सा विद्यार्थी तोड़ने की कोशिश में हूँ, बस उसी कोशिश को सार्थकता के लिए आपके बीच में हूँ। मैं आरंभ होता हूँ, आपसे जुड़ने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा और वहाँ तक पहुँचने की भी कोशिश करूँगा जिस हेतु मैं लखनऊ से चलकर यहाँ बनारस आया हूँ। स्वागत। मैं आरंभ करता हूँ। चार पंक्तियाँ, मेरा मन हो रहा है कि मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को समर्पित करूँ, माँ भारती को समर्पित करता हूँ। स्वागत। और आपको लग जाए कि मेरी ये चौथी पंक्ति 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कंठ होना चाहिए, तो इस कवि सम्मेलन को यहीं से कवि सम्मेलन बनाइएगा। और मैं जितनी देर 10-15-20 मिनट आपके बीच में हूँ, आपका सबका मुझे आशीष मिले, अनुराग मिले। मैं आरंभ होता हूँ, निवेदन करता हूँ। स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। तीमिर समूह हेमा, तीमिर समूह निज मूढ़ता के छाट मा तू नाश कर, पाप पुंज विद्वता प्रखर दे। तीमिर समूह निज मूढ़ता के छाट मा तू नाश कर, पाप पुंज विद्वता प्रखर दे। छोड़ी निज वासन विराज मऊर मध्य, अक्षरों को शक्ति कविता को नहे स्वर दे। मा तू मम जड़ता के काट दे समस्त बंध, मा मऊर राष्ट्र प्रेम भावना से भर दे। ओ सृष्टि की समस्त रिद्ध सिद्धियां समेट कर, मातु वीड़ा पानी मेरे भारत में भर दे। क्या कहने, वाह 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 वाह। हरे महादेव। ये आप सबको थोड़ी थोड़ी देर में करते रहना है, क्योंकि मैं भी थोड़ा रुग्ण हूँ, मुझे इसका आभास न हो कि मैं थोड़ा बीमार हूँ। निवेदन करता हूँ। स्वागत। भाई ने बताया कि मैं लक्ष्मणपुर की धरती से हूँ, अवध की धरती से हूँ। हनुमान जी भी हमारे पास में विराजमान थे, कहीं चले गए हैं वो संजीवनी वगैरह लेने या जो भी हो। मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर कुछ पंक्तियां पढ़ूं। स्वागत। मैं निवेदन करता हूं। एक बात कई बार बार आप लोगों ने सुनी होगी, बस उसी बात को मैंने भी सुना दमदार भाई। स्वागत। और मैंने उसे छंद में बांधने की कोशिश कर दी है, सिर्फ इतना मैंने किया है और कुछ नहीं किया। बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है। जब कहा जाए कि राम में से क्या है, क्यों है राम, तो मैं सिर्फ उनके शब्द पर, उनके राम पर, उनके नाम पर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, वो नाम कितना महत्व रखता है। निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत है। कि एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दो बार यदि कहे राम राम राम, कोई जो दो बार यदि बोलता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। बार बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है।
राम नाम तब महामंत्र, वो राम है। और जब ये कोई कहता है कि राम का अस्तित्व क्या है, तब चार पंक्तियां आक्रोश की पढ़ता हूँ और पूरी सार्थकता के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पूरी कविता की कसौटी पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सबका आशीष मांगता हूँ। स्वागत है। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या, एकता भवस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिनु भारत की आन बान शान क्या, लोक वोर वेद के समस्त गुण धाम, राम राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या, राम राष्ट्र गौरव है राम प्रेरणा के पुंज, राम बिन भारत हो पाएगा महान क्या, वाह वाह वाह, राम बिन भारत हो जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद वेदांग के समस्त ज्ञान राम है, बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता वौर शौर्यवान राम है, देश के भविष्य राम भूत वर्तमान राम, वंदन स्पंदन की पहचान राम है, कण कण में है राम तण तण रमे राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम। वाह 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 वाह, मेरे साथ बोलिएगा एक बार, मेरा मन हो रहा है, जय श्री राम 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 जय श्री राम। और कुछ पढ़ने की मानसिकता में हूँ, उसके बाद जो एक आध गीत विशेष जिसका दमदार भाई ने कहा, मैं निवेदन, स्वागत, हाँ वो भी पढ़ दूंगा, मैं निवेदन करता हूँ, स्वागत, एक आध छंद में पढ़ने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। जो मेरे युवा साथी बैठे हैं वो विशेष ध्यान दें। जब ये कहा जाता है कि देश की जवानी भटक रही है, तो मैं निवेदन करता हूँ, वास्तविकता में देश के जवानों की जवानी है क्या, मैं उसे परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। और लग जाए कि मैंने रोज का एक छोटे से हस्ताक्षर के सही ढंग से जवानी को परिभाषित कर दिया है, तो मंच भी मुझे आशीष दे, आप सब आशीष दे, मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत है। कि शक्ति ही बदलती है इतिहास को, सदैव रचती अतुलनीय वक्त कहानी है, शक्ति ही बदलती है इतिहास को, सदैव रचती अतुलनीय वक्त कहानी है, क्रांति का जो बिगुल बजाए रचनात्मक यशोगाथा, उसकी न किसने बखानी है, दुष्ट भ्रष्ट और अत्याचारियों के नाश हेतु, रक्तयो बहावे मानो रक्त नहीं पानी है, एक हुंकार से हिला दे जो धराओ व्योम, मेरा मन कहता है वही तो जवानी है, मेरा मन कहता है, मैं उस जवानी को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्ति और देता हूँ, और एक बार आपका मन मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिसमें भरी हो देश भक्ति कूट कूट कर रोम रोम, राष्ट्र गीत गाए तो जवानी है, राणा शिवा शेखर सुभाष का प्रणम्य जोश, सिर चढ़ कर गर बोले तो जवानी है, आसफाक बिस्मिल रोशन लाहिड़ी का रक्त, रग रग में उबाल कर मारे तो जवानी है, जिस क्षण मांगती हो मातृभूमि बलिदान, पलना गवाह मिट जाए तो जवानी। वाह वाह, उस जवानी को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा, मैं उस जवानी को नमन करता हूँ। और साहब, देश का जवान जिस दिन जागृत हो जाएगा, मैं 370 पढ़ता हूँ, छंद कई सारे थे, वंदे मातरम पर मेरी एक लंबी श्रृंखला, विशेष एक रचना मुझसे कहे जा रही है, मैं वही निवेदन करता हूँ। स्वागत। मोदी सर अक्सर रविवार को 11 बजे आते हैं और अपने मन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर भी अपने मन की बात करता है, तब कर रहा है जब वहाँ से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, ये लगभग लगभग उसकी जो भी उसे छीन किया गया, मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत भैया। बस जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी बातें हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि मैं हूँ खंडित भाल हिंद का कश्मीर कहलाता हूँ, कि मैं हूँ खंडित भाल हिंद का कश्मीर कहलाता हूँ, अपने अंतर मन की बातें तुमको आज सुनाता हूँ, वर्षों से आतंकवाद की पीड़ाएं सहता आया, आतंकी संगीनों का हरदम ओढ़े रहता साया, मेरी छाती पर दुश्मन के ध्वज फहराए जाते थे, पाकिस्तान समर्थित नारे खूब लगाए जाते थे, मेरी केसर की घाटी में खून बहाया जाता था, भारत का पावन विधान भी रोज जलाया जाता था,
था। दुश्मन के नापाक कदम अपमानित करते आए थे और विवादित हिस्सा मुझको अब तक कहते आए थे। इधर देश के अंदर मेरा अलग ही ताना बाना था, संवैधानिक स्थितियों ने कर डाला बेगाना था, संविधान का विशेष दर्जा फर्क डालने वाला था, भाई जैसे राज्यों में जो भेद बढ़ाने वाला था, जिसके कारण मैं भारत से अलग थलग पड़ जाता था, अधिकारों की एक रूपता में बाधक बन जाता था। मैं तो दो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था, मैं तो दो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था, 370वां अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370वां अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370वां अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था। आप विज्ञ लोग हैं, लिखे लोग हैं, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने लिखने की कोशिश की है। इतिहास का एक प्रश्न रखता हूं आपके सामने, और अगर लग जाए कि मैंने सही सही कहीं कड़वी बात है पर सही ढंग से कहीं लिख दी है तो मेरी उस हिम्मत को सिर्फ दाद दे दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं स्वागत कि मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, भरी जवानी फांसी झूली इंकलाब को गाने में, मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, भरी जवानी फांसी झूली इंकलाब को गाने में, अपने अगणित लालों का बलिदान दिया भारत माने, आजादी का सूरज तब जा करके देखा आंखों ने, बटा देश दो खंडों में भारत में पाकिस्तान बना, अपनों से ही मिला घाव सीने पर अमिट निशान बना, 565 रियासतों ने भारत को स्वीकार किया, जूनागढ़ हैदराबाद ने मिलने से इनकार किया, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली। अब एक नाम लेता हूं आपकी अदालत में, मुझे उस नाम पर विशेष सम्मान है और मैं देखना चाहता हूं बनारस में उसको कितना सम्मान मिलता है। निवेदन करता हूं, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली, जब सरदार पटेल इन दोनों को औकात पटेल क्या कहने डाली, जब सरदार पटेल ने दोनों को औकात बता डाली, अब मेरी बारी थी मैंने भी तो मिलना चाहा था, सन 47 अक्टूबर में संदेशा भिजवाया था, राजनीति के नीत नियंताओं की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत हित के ऊपर उनकी ईर्ष्या भारी थी, महाराज की अगुवाई दिल्ली को रास नहीं आई, अब्दुल्ला पर नेहरू जी की मेहरबानियां रंग लाई, सदर रियासत बन बैठा वो उसकी किस्मत जगवाई, 370 अनुच्छेद को संविधान में जोड़ दिया, 52 के दिल्ली समझौते ने हर सपना तोड़ दिया, शांति दूत कहलाकर श्वेत कपोत उड़ाकर चले गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, स्वागत। शांति दूत कहलाकर श्वेत कपोत उड़ाकर चले गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले गए, मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था, मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था, 370वां अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370वां अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370वां। और साहब क्या प्रावधान थे उनमें, एक कुछ पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, स्वागत निवेदन करता हूं कि जो भारत में पृथकवाद की भावना ही भड़काता था, जो भारत में पृथकवाद की भावना ही भड़काता था, वातावरण विषैला करता उग्रवाद दहकाता था, पिछड़ेपन का जो कारक था जो दारिद्र बढ़ाता था, न्याय व्यवस्था चौपट करता कट्टरवाद जगाता था, जिसने भारत की जनता के अधिकारों को छीना था, रहने की इच्छाएं कुचली रोजगार को छीना था, जिससे बहन बेटियों के सब सपने कुचले जाते थे, ब्याह कहीं बाहर कर ले तो हक सारे छिन जाते थे, जो भारत की संप्रभुता से खेल खेलता आया था, मुखर्जी जैसे अगणित का शोणित पीता आया था, ऐसे अनुच्छेद का नेता खुला समर्थन करते थे, जो घाटी को अपने पुरखों की जागीर समझते थे, जिस थाली में खाते थे फिर छेद उसी में करते थे, जो भारत व संविधान को खुली चुनौती देते थे, दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था, दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था, नाग पंचमी पर वैसे नागो का दमन जरूरी था, नागों का दमन जरूरी था, नाग पंचमी बहुत अच्छे। हरे महादेव, नाग पंचमी पर ऐसे नागों का दमन जरूरी था। कुछ अंतिम पंक्तियां रखता हूं,
कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है। क्या बात। हमारा कोई काम हो जाता है तो हमारा एक मानवीय स्वभाव होता है, हम उसे आभार प्रकट करते हैं कि आपने मेरा एक काम कर दिया, आपने मेरी पीर हर लिया, आपने मेरे नासूर को खत्म करने का काम किया, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो बस वही आभार है, मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है, मातृ भारती मस्तक करती अक्षतरोली चंदन है, जिससे जो उम्मीद जगी थी उसने वो कर डाला है, दुष्ट द्रोहियों के मुंह को कर डाला जिसने काला है, राष्ट्र विरोधी सोच रहे पड़ गया ये किससे पाला है, चाणक्य नीति में पारंगत दिल मगर में राणा का भाला है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, विश्व समूचा मान चुका यह छप्पर विंची सीना है। है है वाह, क्या कहने बाबा बाबा बाबा। छप्पन इंची सीना है, विश्व समूचा मान चुका यह छप्पन इंची सीना है, बहुत बहुत आभार तुम्हारा पीर हमारी हरने का, सारे कष्ट मिटाने का, दुख दारिद्रों को दरने का, शंकराचार्य कश्यप अगस्त का तुम्हें सदा वाशीष मिले, वैष्णो माँ की कृपा रहे, नित गर्वत उन्नत शीश रहे, तू नायक है सवा अरब की सेना हिंदुस्तानी का, तू नायक है सवा अरब की सेना हिंदुस्तानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता, 370 अनुच्छेद को और नहीं। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत आभार। क्या बात।